आंच करने के लिए डालते हैं। एक बार इस तरह से आप हलवा बनाएंगे तो आपको आसानी भी होगी और जो भी इसको खाएगा वो आपसे बार बार फरमाइश करेगा कि आप ये हलवा जो है वो इसके लिए फिर से तैयार करें, चाहे वो घर के अफराद हों या आपका ससुराल हो, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको बहुत मज़ा आएगा इस तरह से हलवा बनाने में। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरह से हलवा बनाकर आप। तो अब हम इसको ब्लांच करने के लिए रखते हैं और हम इसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए सिर्फ बंद करते हैं। ये जो है हम डालेंगे, उसके लिए हमने क्या कहते हैं उसमें गाजरें ब्लांच कर ली थी। अब इसको हम बघारेंगे तो क्या कहते हैं इसमें हमने इलायची डाली है घी में। और गाजर का हलवा जो है वो या कोई भी मीठा आप बनाना चाहें तो उसको हम घी में ही बनाते हैं, क्योंकि घी में ही अच्छा मज़ेदार बनता है। इलायची हमारी हो गई है तो अब हम इसमें अपना गाजरें जो हमने ब्लांच की थी वो डालते हैं इसमें और इसको फ्राई करते हैं। गाजरें मिल रही हैं, इसी के अंदर जो है हम ये अपनी मलाई डाल देंगे। मलाई हमने जमा करके रखी थी दूध की, जम गई है तो इसको ये थोड़ी मुश्किल हो रही है। मलाई डालेंगे हम इसके अंदर, इसमें हमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मलाई डालेंगे तो और इससे बहुत मज़ेदार बनता है। आप एक बार इसको मलाई के साथ बना के देखिएगा। इसको हम चलाएंगे, पूरा मलाई से जो है वो बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है इसका। एक बार आप इसके साथ भी बना के देखिएगा, जो दूध में तो आप बनाते रहते होंगे के साथ बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। ये मलाई डालने के बाद अब इसमें ये 1 कप चीनी जो है वो भी हम क्या कहते हैं डाल देंगे इसके अंदर और उसको मज़ीद चलाएंगे, इसे भूनेंगे। इसको चलाते रहना है, चलाते रहेंगे भूनते रहेंगे तो हमारा बहुत मज़ेदार हलवा जो है वो तैयार हो जाएगा। मैंने तो इसमें 1 कप चीनी डाली है, आपकी मर्ज़ी है, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो मीठा। बहुत से लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं कि हलवे के अंदर जो है वो मीठा ज़्यादा होना चाहिए। आप अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल दीजिएगा। हलवा जो है वो तैयार हो गया है और आप इसमें तस्वीर नहीं कर सकते हैं कि अभी इसे देख सकते हैं कि इसमें जो हमने मलाई डाली थी इसका जो खुशबू आ रही है बिल्कुल असली घी की खुशबू आ रही है और हमें कहते हैं असली घी की इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम मेवा जो है वो इसमें डालते हैं और इसको हम थोड़ा चलाते हैं फिर इसको डिश आउट करेंगे। हमारा हलवा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है, मज़ेदार लजीज खुशबू आ रही है इसमें से। सब गरम गरम खाइए, ठंडा खाने से मज़ा नहीं आता है इसमें, जिसमें सब गरम गरम खाने से मज़ा आता है। सर्दी का मौसम हो और गरम गरम हलवा हो और उसके साथ एक प्याली चाय या कॉफ़ी जो भी आप पसंद करते हैं वो लें, सर्दियों का मज़ा आ जाएगा आपको। हमारा हलवा जो है वो तैयार हो गया है, बिल्कुल रेडी हो गया है और इसको हम डिश में निकालेंगे। ये देखिए हमारा मज़ेदार जो है वो हलवा गाजर का तैयार हो चुका है। मज़ेदार लग रहा है ना आपको भी, तो फिर बनाइए और खाइए। मैंने तो खाया, बहुत मज़ेदार है।